चलिए जी, मेरा नाम गौरव बजाज है। क्या कुछ लोग हैं जो पहली बार मेरे को देख रहे हैं? मैं भी आपको पहली बार देख रहा हूं। वेरी नाइस। हाँ, कहां से शुरू करें? सो वेरी सिंपल, आज आपको किसी पर्सन ने इधर हॉल के अंदर बुलाया? हाँ जी, किसी ने बुलाया? आप अपने आप गलती से आए? अपने आप गलती से आए, नो डाउट। मैं तो खुद ही हूं। देखो, आए तो आप इच्छा से ही हैं इस हॉल के अंदर। फर्क सिर्फ इतना है, आप अपनी इच्छा से आए हो या किसी और की इच्छा से? अपने। मैं किसी और की इच्छा से आया था, राइट ना? बिकॉज उससे पहले मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा था। मेरा नाम गौरव बजाज है, सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ। और जैसे हर माँ बाप चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख के जिंदगी में कुछ कर जाए, तो हमारे माँ बाप ने ऐसा ही कहा, राइट? मैंने बीटेक पूरा किया कंप्यूटर साइंसेज में। आपके पास दो हैं, मेरे पास चार हैं, राइट जी? क्योंकि मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे बचपन में, नानी माँ ने सिखाया खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, राइट? और हर कोई जिंदगी में नवाब बनना चाहता है, राइट और रॉन्ग? हर कोई आदमी जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है, अच्छा करियर बनाना चाहता है, तो वैसे ही हम लोग भी चाहते थे। और बचपन से लेके बड़े होने तक लाइफ में एक ही चीज सुनी कि अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा। हाँ जी, यस और नो? यस, राइट ना? मिडिल क्लास फैमिली में, खास करके बिकॉज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट? तो बचपन से एक ही चीज, क्लास में फर्स्ट आओ और आगे आगे बैठे हो, राइट? इससे क्या होगा, क्या होगा? नवाब बनने का मतलब, देखो कुछ लोग नाराज है, नवाब नहीं बनना चाहते, राइट ना? डॉक्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सीए करवाना चाहते हैं, ये सब है कि नहीं है? क्यों? पैसा, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन इन द मार्केट, लाइफ में सेट हो जाए बच्चे, राइट और नॉट? अल्टीमेटली ये सारी बातें घूम के एक चीज पे आ जाती हैं, दैट इज मनी। हम बच्चों को कभी ये तो नहीं कहते रेडी लगानी है तूने? हाँ जी, कहते हैं क्या? कुछ छोटे मोटे काम की बात करते हैं क्या हम उनसे? नहीं, हमेशा जिंदगी में कामयाब होने की बात करते हैं। तो मेरे माँ बाप ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही किया, जिसकी वजह से मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी अच्छी पढ़ाई लेने में। अपनी बीटेक की पढ़ाई कंप्यूटर साइंसेज में पूरी की और उसके बाद गुड़गांव के अंदर एक कंपनी है यूएस बेस्ड सेफवे कॉर्पोरेशन, जहां से मैंने 13,500 रुपए से अपने करियर को शुरू किया। और जब आपको एक नौकरी मिल जाती है जो कि इतनी मुश्किल से आपको मिले पढ़ाई करने के बाद, तो आप उस नौकरी से चिपक जाते हो, यस और नो? छोड़ते नहीं हो, होता कि नहीं होता? और आप रोज अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो, पूरे 6 महीने साल मेहनत करते हो, किस लिए? पैसे के लिए। आई वॉज द बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ माई कंपनी। दिन में अगर 9 घंटे की ड्यूटी है तो हमने 12 घंटे ड्यूटी करी है। 9 बजे जाते थे ऑफिस पर, 9-10 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी का अवार्ड मिला, बहुत सारी ट्रॉफीज मिली, बहुत सारे सर्टिफिकेट मिले। उसका रिजल्ट क्या हुआ? अर्ली प्रमोशन। 70,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में ले रहा था जब जिंदगी में किसी ने मेरे को पहली बार यह बिजनेस बताया। मुझे नहीं पता आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर उस दिन जो विचार चल रहे थे, मेरे को लग रहा था दाल में कुछ काला है। हाँ जी, सुनिए आपने कहावत, आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है? जो लोग पहली बार आए हैं, इतना पैसा कैसे आ सकता है? कितने लोगों का सवाल है ये, इतना पैसा कैसे आ सकता है? किसी का नहीं है सवाल? फिर तो खत्म, दरवाजा बंद कर दिया हमने, बंदे खड़े कर दिए, पैसे दो और खत्म। देखो, हम धीरे धीरे बंद कर देंगे वो दरवाजा, और हम आपको तभी जाने देंगे जब आप पैसे दोगे। मुंह लटक गया। देखो, मेरे को जिंदगी में ये समझ में आया, करोड़ रुपए जो आदमी लगाता है वो लाखों रुपए कमाता है, यस और नो? हाँ जी, यस और नो? आप और मैं कैनॉट प्लेस के अंदर कितने सारे लोगों ने करोड़ रुपए लगाए, लाखों में इनकम कमाते हैं? जिन्होंने लाखों खर्च किए वो हजारों में कमाते हैं। हमारे माँ बाप ने लाखों रुपए हमारी पढ़ाई पे खर्च किए तो हम कुछ हजारों की सैलरी ले रहे थे, लेकिन जिंदगी में मुझे पहली बार एक व्यक्ति मिला जो ये कह रहा है 10-20 हजार रुपए लगा के भी 2,10,000 रुपए आ सकता है, यस और नो? वो भी हफ्ते का। तो मैंने कहा अभी तक तो सुना था दाल में कुछ काला है, तो पूरी दाल ही काली है। क्यों? क्योंकि 24 साल तक इस माइंड में क्या गया, करोड़ों लगाओगे तो लाखों, लाखों लगाओगे तो हजारों। लेकिन अब पहली बार एक आदमी कह रहे नहीं, जो तूने 24 साल सीखा वो गलत है, कुछ हजारों लगा के लाखों नहीं करोड़ों कमाए जा सकते हैं।
लेकिन दो चीजें ऐसी मेरे को समझ में आ गई जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस को शुरू किया और आज मैं आप लोगों के सामने यहां पर आ गया। जानना चाहेंगे क्या? ये बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये दो बातें मुझे समझ में आ गई इस बिजनेस के अंदर। ये इतना कुछ मुझे नहीं समझ में आया, दो चीजें समझ आई। क्यों? हरियाणा का हूं, मोटा मोटा ही समझ आता है, मोटा मोटा ही समझा सकता हूं। समझाऊ? सबसे पहली बात, कितने लोग हैं जो नहा के आए? मौसम बदल गया ना, अब तो नहाने का। कितने लोग सोप शैंपू हेयर ऑयल टूथपेस्ट फेस वॉश जैसा प्रोडक्ट लगा रहे हैं? सब लगा रहे हैं। तो अगर ईश्वरा राय के कहने से इतने सालों से लक्स लगा सकते हैं तो एक दोस्त के कहने से एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन भी लगा सकते हैं। और अगर नहाना धोना नहीं छोड़ सकते तो ये बिजनेस चलेगा नहीं दौड़ेगा, ये बात मेरे को समझ में। अगर ये मर्सिडीज बेचते हैं तो मुश्किल है, सब लोगों के लिए लेना पॉसिबल नहीं है, बट ये प्रोडक्ट ऐसा बेच रहे हैं राइट ना जो सबके लिए मजबूरी है, ये सुनो। तो मेरे को ये समझ में आ गया बॉस ये बिजनेस चलेगा। तो मैंने सामने वाले से ये नहीं पूछा ये चलेगा या नहीं चलेगा, इतना कॉमन सेंस मेरा काम किया उस समय राइट। दूसरी बात, मेरे को 3 साल नौकरी करके ये समझ में आ गई कि बचपन में हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक आदमी को एक दीवार तोड़ने में 100 दिन लगते हैं, अगर उस काम में 10 लोग लग जाएं तो कितने दिन लगेंगे? 100/10 ऐसे ही होता था ना। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, सरकारी स्कूल, समझते हैं आप, सफेद कमीज खाकी निक्कर राइट। ना टीचर पढ़ाना चाहता था ना हम पढ़ना चाहते। मुझे आपका नहीं पता, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे हो सकता है राइट ना, अच्छे स्कूल में पढ़े होंगे, लेकिन हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे थे ही नहीं, तो एक ही चॉइस थी जिंदगी सिंपल दे राइट ना। और क्या सीखा था, चाहे इंग्लिश मीडियम में थे ना हिंदी मीडियम में, एक आदमी 100 दिन, 10 लोग 10 दिन, और अगर उसी काम में 100 लोग लग गए तो एक दिन। सीखा था ना लाइफ में, लगाया कभी नहीं। आज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज आपके सपनों के लिए, ड्रीम्स के लिए, जिसके लिए आप सुबह से शाम भाग रहे हैं, कितने लोग मेहनत कर रहे हैं? सभी करते हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। yes, एक अकेला आदमी दौड़ रहा है आपके सपनों के लिए और लोग भी दौड़ रहे हैं? ये तो आगे वाले बोल रहे हैं जिन्होंने शुरू कर लिया। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, जो पहली बार आए। हाँ जी, कितने दिन लगेंगे? और अगर 10 लोग आपके साथ आ जाए, 100 लोगों का टीम बन जाए, जल्दी होगा कि नहीं होगा? ये काम मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने सिखाया कि जिंदगी के अंदर अगर सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो अकेले क्यों भाग रहे हो, टीम क्यों नहीं बना रहे? हाँ जी, यस और नो? यस और नो? लोग बोलते हैं अमीर आदमी अमीर है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, वो जो अमीर आदमी है वो अपने घंटे बढ़ा रहे हैं। क्या आप अपने घंटे बढ़ा रहे हैं? हाँ जी। अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं? हाँ जी। तो पैसा जो बढ़ेगा उससे ज्यादा तो अपने देश की महंगाई बढ़ती है बॉस, जिंदगी में बड़ा बदलाव कैसे आएगा? तो ये दूसरी बात मेरे को समझ में आई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कि बॉस अगर लोग बढ़ेंगे, 3 लोग एक आदमी से ज्यादा काम कर सकते हैं, 7 लोग एक आदमी से ज्यादा काम कर सकते हैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 50 लोग हुए तो मेरे से ज्यादा काम कर, अगर नंबर ऑफ आर्ट बढ़ेंगे तो मेरा पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ जी, यस और नो? ये दूसरी बात मेरे को समझ में आई और मैंने जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को ढंग से करूंगा और एक ईमानदारी की कोशिश करूंगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में। और आपने सुना होगा जब जब आदमी जिंदगी में कोई अच्छा डिसीजन लेता है तो ऊपर वाला भी हेल्प करता है, कोई ना कोई कायनात मदद करती है अगर कुछ दिल से ख्वाब आए तो। हाँ जी, सुना आपने डायरेक्शन किसी मूवी में भी था। तो जब मैंने ये डिसीजन लिया तो घर वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब लोगों ने मेरा साथ दिया कि तेरा दिमाग खराब हो गया, अमीर बनना तो ठीक है, मिलियनेयर और करोड़पति बनना ठीक है, लेकिन ऐसे कामों से, ऐसे तो काम कर करके छोड़ दिए, इस काम में करियर बनाया नहीं जा सकता। तो मेरे पास लाइफ में 2 चॉइस थी, एक मैं उसकी बात मान लूं, चॉइस नंबर 2 मैं उसकी बात ना मानू। क्या करना चाहिए? पीछे वाले मानू कि ना मानू? मान लेना चाहिए। इसका एक सिंपल सा फार्मूला मुझे उस दिन समझ में आ गया, जिसकी बात आप जिंदगी में मानोगे उसके जैसा। आज से पहले मैं जिंदगी में जिन लोगों की बात मान रहा था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया तो मैंने उन लोगों की बात माननी शुरू की जिनके पास खुद के घर थे, खुद का अच्छा लाइफस्टाइल था, खुद की अच्छी गाड़ियां थी। उसकी रिजल्ट क्या हुआ? मैंने दोस्तों, रिश्तेदारों की, घर वालों की बात नहीं सुनी,
मैंने उन लोगों की बात सुनी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, एक कमरे के घर में रहता था, आज गुड़गांव में 10,000 स्क्वायर फीट में 10 कमरे के घर में रहता हूं। मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो मेरी तरह मोटरसाइकिल में मेरे दोस्त हुआ करते थे, TCS, Infosys, Rapidime, HCL, Huit, इस सब में मेरा फ्रेंड सर्कल था, राइट ना, और हम सब लोगों ने नई नई मोटरसाइकिल उस समय ली थी, राइट, और मैंने इनकी बात सुननी बंद कर दी, यही कह रहा मैं, क्योंकि दोस्त तो कह रहे थे तेरा दिमाग खराब है, काम नहीं करना। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जिंदगी में पहली गाड़ी आई 2.5 लाख रुपए की ऑल्टो, अच्छी गाड़ी है, यस, नहीं ना पसंद आपको, उस दिन मुझे पसंद थी, अब मुझे भी नहीं पसंद, लोगों ने और ना करी मुझे और कंफ्यूज किया, लेकिन मैं चुपचाप काम करता रहा। मैंने किसकी सुनी, जिनके जैसा मैं बनना चाहता था जिंदगी, मैंने उनकी बात नहीं मानी जिनके जैसा मैं बनना नहीं चाहता। क्या रिजल्ट हुआ, एक स्कोडा ऑक्टेविया आई। मैंने उन लोगों की बात लगातार सुनी जो जिंदगी में मैं जिनके जैसा बनना चाहता था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, मर्सिडीज बेंज आई, डस्टर आई, इनोवा आई। इस हॉल के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है छोटी सी रेंज रोवर, 75 लाख रुपए की। इसकी बात मानी, मैं किसके जैसा बना, आपको देख के लग रहा है मेरे पास भी दो हाथ दो पैर दो कान, आपके पास भी तो यही सामान है, भगवान ने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब बराबर तो भेजा, राइट और हाँ जी, यस और नो, अगर गौरव बजाज कर सकता है तो इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स कर सकता है, अगर एक कमरे के घर से ये लड़का 10 कमरे के घर में पहुंच सकता है, और ये लड़का 17-18 साल पहले अपनी माँ से इस बात के लिए लड़ाई करता था, मेरे को सीधे डंडे वाली रेंजर लेकर दो, मेरे को एटलस नहीं चलानी, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी टेढ़े डंडे वाली एटलस चलाई, सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर घर के अंदर, ये दूसरी अचीवमेंट थी, 13,500 रुपए का वो स्कूटर आया, 10,000 की स्कॉलरशिप, 3,500 रुपए इकट्ठा किया किसी तरीके से हम दो भाइयों ने, 13,500 रुपए का सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर, आज उस घर की बेसमेंट में 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां खड़ी है माय डियर। आप करेंगे नहीं करेंगे इससे किसी और का फ्यूचर नहीं बनेगा, इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है आज कि मेरे को ये बिजनेस करना है या नहीं, मुझे 10-20,000 रुपए लगाने हैं या बचाने हैं, बस इतनी सी तो बात है, राइट और नो, हाँ जी, यस और नो। मेरे बाद एक और मेरे कुलीग हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा आपको, राइट ना, एक एग्जांपल देके मैं सिर्फ इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि पावर ऑफ डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है। इन मूवमेंट्स ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज शेप, आदमी का एक पल का निर्णय उसका पूरा भविष्य बदल सकता है। जिस दिन मैंने इस काम को शुरू किया था उस दिन मुझे नहीं पता था, लेकिन आज मेरे को ये बात समझ में आती है, थैंक्स टू माई स्पॉन्सर अपलाइन जिन्होंने साथ दिया पल पल और यहां तक पहुंचाने के अंदर, नंबर वन बेस्ट सेलिंग ऑथर मिस्टर दीपक बजाज, और उस पल का निर्णय लिया हुआ आज जिंदगी में ये सब कुछ हो पा रहा है। आज वक्त है आपको अपने लिए एक डिसीजन लेना है, 10-20,000 रुपए बचाने हैं, 10-20,000 रुपए लगाने हैं, अगर बचाएंगे तो क्या हो सकता है लाइफ में, सोच के देखिए, हाँ जी, क्या क्या हो सकता है, दिल्ली में कितने महीनों का किराया भर सकता हूं मैं, है ना, कितने महीनों की फीस पे कर सकता हूं बच्चे की, कितने महीनों का राशन आ सकता है, कितने परसेंट ब्याज आ सकता है, और अगर गलती से लगा दिए तो क्या हो सकता है, कितना दुखी हूं ना मैं, कितना परेशान हूं, मेरे से पहले आए अभी मैंने सुना वो 50 तोला सोना, कितने परेशान लग रहे थे ना, सौरभ राइट ना, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन गया, कितना दुखी था ना वो, वैसे हो जाएंगे, राइट और राम, आपको डिसाइड करना है, इसे पावर ऑफ डिसीजन, कि जिंदगी जैसी चल रही है वैसी चलती रहे या फिर आज एक डिसीजन लेना है। एक डिसीजन लिया था एक व्यक्ति ने, अंग्रेजों ने उसे ट्रेन से धक्का दिया था, उसने डिसीजन क्या लिया था, अंग्रेजों तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दिया, मैं तुम्हें अपने देश से धक्का दूंगा, लोग आज उसे महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। एक लड़के ने डिसीजन लिया था जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल भरता था, उसने डिसीजन क्या लिया, ये मोटरसाइकिल या ये गाड़ी मेरी हो जाए, उसने डिसीजन लिया ये पेट्रोल पंप मेरा हो जाए, उसने डिसीजन लिया जहां से ये आता है वो रिफाइनरी मेरी हो जाए, लोग आज उसे ग्रेट बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं। तो मैं ये तो नहीं बता सकता आप महात्मा गांधी बनेंगे या धीरूभाई अंबानी बनेंगे, लेकिन ये बोल सकता हूं अगर आज शुरुआत की और एक सिस्टम को फॉलो किया तो आप भी अपने खानदान के महात्मा गांधी या धीरूभाई अंबानी जरूर बन सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।